हाउ टू मेक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। अब ये हमारे सारे आईटी वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, जब यूजर ही तुम्हारी वेबसाइट को पसंद नहीं कर रहा तो क्या तुमने वेबसाइट बना दी। ठीक है, यूजर वेबसाइट देख के भाग जा रहा है, यूजर वेबसाइट देख के भाग रहा है, तो उस वेबसाइट का कोई मतलब है क्या? और तुमने जो 3-4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर डाली, तुमने जो इतनी कोडिंग घोट डाला उठा के, जब तुम एक यूजर को नहीं संभाल पा रहे तो कंपनी भी तुम्हें नहीं संभालेगी। जब तुम यूजर को भगाओगे तो कंपनी तुम्हें भगाएगी, क्योंकि ध्यान रखना एंड यूजर जिसको हम कहते कस्टमर वही यहाँ भी किंग है। अगर आपकी घटिया कोडिंग के कारण कंपनी 4 कस्टमर लॉस कर जाए तो क्या आपकी जॉब बचेगी? तो आपकी कोडिंग को सुधारे, क्योंकि कस्टमर भागते तो आप ही भागोगे। कॉलेजों में भी ध्यान रखना वही प्रोफेसर रहते हैं जो जिससे जिसके कारण बच्चे आते हैं। अगर तुम्हारे पढ़ाने के कारण बच्चे कॉलेज छोड़ के भागे तो कॉलेज जल्दी तुम्हें भी रास्ता दिखा देता है। तो हमें यूजर्स के हिसाब से वेबसाइट कैसे बनानी है जिससे काम हमारा चले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको करनी मुझे नहीं। 15 पॉइंट है। पहला आपको ध्यान रखना है, किसी भी वेबसाइट में ध्यान रखना हेडर और फुटर में नेविगेशन जरूर डालिए, यानी मेन्यू ऊपर और नीचे भी मेन्यू रहता है फुटर में। आपको ध्यान रखना जितने नेविगेशन आपके हेडर फुटर में बेहतर रहेंगे उतना यूजर टिकता है आपकी वेबसाइट में। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है हर वेबसाइट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। वेबसाइट का टाइटल जो होता है हम टाइटल टैग में डालते हैं, जो हमारे एचटीएमएल होल्डर्स उनको पता है कि टाइटल में टाइटल डालते हैं, सही अच्छा टाइटल डालना चाहिए। और आपको आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन जो मीटा टैग में हम डालते हैं वो भी अच्छा डालना जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यूजर जो है वो टाइटल देख के आता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है आपके वेबसाइट में यूआरएल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। कई लोग ध्यान रखना अभी वेबसाइट में URL कैसे खरीदते हैं, www.republicofindia.com। ठीक है, आपने इनिशियल मान लीजिए वेबसाइट अगर आपने बनाई है और आप इतना बड़ा URL अगर आप डाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कस्टमर भागेंगे। कस्टमर को शॉर्ट नेम बहुत पसंद है, आप देखते होंगे कि विस्तार का नाम विस्तार एक वर्ड में हमने लिखा विस्तार, बस विस्तार नाम से बनता आता है, लेकिन अगर मैं विस्तार की जगह कोई बहुत लंबा नाम अगर लिखता तो कस्टमर्स को रिमेम्बर करने में दिक्कत होती। शॉर्ट नेम का URL आपको खरीदना, URL ध्यान रखना हम ही GoDaddy से खरीदते हैं, हम बिग्रॉक से खरीदते हैं। चौथा आपको लिखिएगा वेब पेजेस आपके फास्ट होने चाहिए। कईयों के वेब पेजेस बहुत धीरे लोड होते हैं, उनकी वेबसाइट उन्हें URL परचेस किया, वेबसाइट को स्टार्ट कर दिया, लेकिन वेबसाइट को देख रहा है कि पेज बहुत धीमी गति से लोड हो रहा है, वेबसाइट बहुत धीमी चल रही है। इंसान को ध्यान रखना है, खुद धीमा है लेकिन उसको सारी चीज़ें तेज चाहिए। इंसान को खुद भले ही आप लोग बड़े धीमे हो लेकिन आपका मोबाइल तेज चलना चाहिए, लैपटॉप तेज चलना चाहिए, गाड़ी तेज चलनी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने कपड़े मशीन सुखा दे, धो दे, सब जल्दी जल्दी लगी रहती है, फ्रिज जल्दी हमें ठंडा करके पानी दे दे, हम हर चीज़ जल्दी जल्दी मांगते हैं सिवाय खुद लेट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेब पेजेस अगर तुम्हारा लोड धीमा ले रहा है, इट मींस आप क्या करें, वेब पेजेस में परिवर्तन करें। क्या वेब पेज सबसे ज्यादा लोड धीमा कब लेता है? जब वेब पेजेस में इमेजेस हैवी हो। तो अगर आप इमेजेस हैवी लगा रहे, अगर हमने वीडियोस हैवी लगा दिए तो ध्यान रखिएगा आपका वेब पेजेस ऑटोमेटिकली लोडिंग स्लो कर देगा। नहीं तो आप उसका इमेज को थोड़ा डाउन ग्रेड करके लगाइए ना, डाउनग्रेड करके लगाइए, अट्रैक्टिव सब बनेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना लोडिंग का टाइम आपका धीमा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिक कंटेंट। ध्यान रखिएगा एक जवान बच्चे से ही उम्मीद की जाती है कि वो कंटेंट अच्छा लिख सके। आपको ध्यान रखना कंटेंट राइटर्स की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, आप लोग कोई किसी भी मामले में लिख नहीं पाते हो, किसी मामले में बोलना तो आता ही नहीं आपको। कंटेंट आपको ध्यान रखना अच्छा बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपके एप्लीकेशन में कंटेंट है तो लोग आएंगे, आपके एप्लीकेशन को देखेंगे, पसंद करेंगे, रेफर करेंगे। और देखो मैं सीधी बात बता दे रहा हूँ, तुमने वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट में कोई यूजर आ नहीं रहा तो कंपनी तुम्हें सबसे पहले टारगेट करेगी, बोलेगा सर 1 महीने हो गए एक भी बंदा का फोन नहीं आ रहा आपकी वेबसाइट से, बोलेगा सर मैंने तो बना के दे दिया, क्या बनाया मैंने, पूरा एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जिससे ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। तो ध्यान रखना आपका नाम मार्केट में खराब हो जाता है, आपका नाम ऑफिस में खराब होने लगता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, ये आपको एजुकेशन में बताया जाना चाहिए था। 4 कोडिंग करने से कुछ नहीं होता, जब तुम्हारा के द्वारा बनाया पेज किसी का भला ही नहीं कर पा रहा तो तुम्हारा आने वाला करियर चौपट। ठीक है, व्हाट इज करियर? एक ऐसा तरीका जिससे पैसा आए, तो पैसा तभी आएगा ना जब आप उस चीज पे मास्टर रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस,
सिक्स पॉइंट आपको मैंने कहा इमेज को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है, आपके जो इमेजेस है उनको प्रॉपरली सेट करना, क्योंकि इमेज भी कई लोग आड़ा तिरछा लगाते हैं। तीन से चार साल पढ़ने के बाद कईयों को इमेज व्यवस्थित करना नहीं आता, इमेजेस का सीएसएस मैनेज करना नहीं आता, इमेजेस को डिस्प्ले भी कईयों के हाथ तंग है। भाई हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी में बढ़ रहा है, यहाँ पे बच्चों को वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ पा रहा, जबकि आज यूनिवर्सिटीज बहुत खुल गई है, आज प्रोफेसर्स भी आज बहुत है, सब है, पर कहा जा रहे हैं एक पेज डिजाइन करके अगर दिखा दे तो बहुत बड़ी बात हो रही है। प्रॉपर कंटेंट स्ट्रक्चर 7 पॉइंट, कंटेंट को प्रॉपरली जमाना आपको आना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। भले आपका भी लग रहा होगा कि सर ये सब चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ लाइफ में ये तो इंपॉर्टेंट है कि कौन तुम्हें कहाँ करना है किसको तुम्हारी बीटेक डिग्री से, जब तुम प्रैक्टिकली कोई चीज़ करके दिखा नहीं पा रहा तो मैं तुम्हारी बीटेक की डिग्री को अपने डायरेक्टर रूम में सजाऊंगा नहीं, मैं बैठ के मुझे आपके कंटेंट स्ट्रक्चर क्या चाहिए, प्रॉपर चाहिए, सब कुछ जमा के थ्रू। अगर आपके दिमाग में जमाने की बुद्धि नहीं है तो आप बनी बनाई वेबसाइट्स में देखो कैसे करके जमा के काम किया जाता है। आप वेबसाइट्स विजिट करें ना, आप ऐप विजिट करें, आपको जमा अपना दिखेगा, तो वैसे जमाना सीखिए हर चीज को, ठीक है। 8th पॉइंट है रिस्पॉन्सिव, आपकी वेबसाइट जो है ध्यान रखना वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो, यानी आपकी वेबसाइट जो है तो यूजर फ्रेंडली भी हो, और सबसे मेन चीज आपकी वेबसाइट का है हर प्रकार के आपके जो स्क्रीन होती है सब में वेबसाइट खुले, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट्स हो, चाहे बड़े प्रिंटर हो, सब में आपकी वेबसाइट एकदम खुलनी चाहिए बिना कटिंग हुए, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। 9th है इंटरनल लिंक की मैं बात कर रहा हूँ, आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना, वेबसाइट से तभी चलते हैं जब हम वेबसाइट में पॉपुलर वेबसाइट के लिंक भी जोड़ते हैं। जैसे आप देखते हैं यूनिवर्सिटीज की जो वेबसाइट होती है, यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट में एमपी ऑनलाइन की भी लिंक जोड़ती है, सरकारी लिंक्स भी जोड़ती है, और अदर यूनिवर्सिटी की भी लिंक डालती है अपने वेबसाइट में। एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर एक अगर पॉपुलर कोई संस्था की वेबसाइट आपके वेबसाइट में अगर जुड़ी हुई है तो आपके वेबसाइट में फुटफॉल बढ़ता है, लोग आपकी वेबसाइट में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि इंटरनल लिंकिंग्स आप करें, उनका लिंक आप अपने वेबसाइट में जरूर डालें, ठीक है। जैसे कई बार आप देखते हैं छोटे से शॉप्स में आप देखते होंगे किसी बड़े ब्रांड का एड चिपका रहता है, आप एक छोटे से पता चल चाय वाले की दुकान में जाते हैं, चाय वाले की दुकान में आप वहाँ पे देख पा रहे हैं वर्धमान आईएएस क्लासेस, तो आप वर्धमान आईएएस क्लासेस वहाँ पे जो लिखा है तो उसके बहाने क्या है, इसकी भी पॉपुलैरिटी थोड़ी हो रही है, और वर्धमान आईएएस क्लास तो नाम ही है, तो हर इंसान क्या करता है बड़े ब्रांड को अपने साथ लगाता है। एक समय ऐसा भी था जब पतंजलि बहुत बड़े ब्रांड के रूप में जब स्थापित हुआ तो सब दुकानदारों ने पतंजलि के बोर्ड लगाए बाबा रामदेव के साथ, वो क्या था, रामदेव जी को जरूरत नहीं है, जरूरत तुम्हें ऐसे रामदेव का फोटो लगा लिया जिससे बोलो हमारी दुकान में मुड़े। तो ध्यान रखना बड़ी वेबसाइट से तुम्हारे वेबसाइट के भी जो है लिंक्स काम करते हैं, तुम्हारी वेबसाइट में भी लोग आते हैं। नेक्स्ट 10th है मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल में वेबसाइट कटेगा जो हमने रिस्पॉन्सिव की बात अभी की। 11th आपको ध्यान रखना है इमेज और वीडियो का यूज जरूर करें, किसी भी वेबसाइट में ध्यान रखिएगा इमेज और वीडियो आपको लगाना आना चाहिए। आप सबके लिए चैलेंज क्या है, चैलेंज आपके सामने ये है कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो एप्लीकेशन सामने वाले को पसंद आएगा क्या, अब कब, यही तो बेस्ट टेक्निकल ग्राउंड आपके सामने है। टेक्निकल ग्राउंड में आप जाएंगे आपसे ये थोड़ा पूछा जाएगा आपके पापा क्या करते हैं, आप SC ST कोटा से हो कि नहीं, आपसे पूछा जाएगा कितने पेजेस बनाए, कितने एप्लीकेशन बनाए हो, बोलेगा सर एक एप्लीकेशन बनाया, अब उस एप्लीकेशन पर तुमने इमेज वीडियो डाली नहीं, पूरा पी टैग से पैराग्राफ 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 लिख लिख के चल जाए, उसमें भी कलरफुल कलर कुछ नहीं है, कोई रखेगा क्या, हमें इमेज और वीडियो रखने पड़ेंगे, सिस्टमेटिक कंटेंट को जमाने पड़ेंगे, तब जाके ध्यान रखना कहीं पे किसी कंपनी को ये आइडिया रहेगा कि आपको एक मुझे मौका दिया जाए, आपको आगे बढ़ाया जाए। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज 2024 का यही है कि कोई तो HR तुम्हें कम से कम बोले कि हाँ आप मेरे साथ आके काम करें, कोई तो कंपनी आपको अपने यहाँ पे एक सीट दे काम करने का। कहानी कुर्सी की नेताओं की भी होती है और इंसान की भी, इंसान को भी कुर्सी चाहिए जीने के लिए, ठीक है। जब से कैरियर स्टार्ट किया तो मेरे और सचिन सर के पास भी कुर्सी है, उस कुर्सी से तो हम लोग का नाम है, कौन जानता है अमित सर कौन सचिन सर क्या है, भाई कुर्सी का मतलब होता है हमारे पास कुर्सी है, तो कुर्सी पहले हमने दूसरी कुर्सी पे बैठे HOD बने आप अपनी कुर्सी पे बैठेंगे, लेकिन बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुर्सी पकड़ने के लिए आपको सिद्ध करना पड़ता है कि आप उस कुर्सी के लायक हो। तो इस आप IT वालों के लिए सब कुछ क्या, एप्लीकेशन अच्छा बनेगा तो कुर्सी के लायक, और नहीं बन पाएगा तो कुर्सी से बाहर। 12th पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कंटेंट आपको रेगुलरली क्या करना, अपडेट कर ले, ये आदत आपको डालनी है कि हर 3 दिन में या 4 दिन में अपने वेबसाइट कंटेंट को बदले, क्योंकि वेबसाइट का रैंक तभी होगा जब कुछ नई चीज़ें होती है। आप हमेशा फेसबुक में तो पोस्ट बदल देते हो, ठीक है, लेकिन वेबसाइट में अगर आप कंटेंट्स नहीं बदल पाएंगे तो ध्यान रखना बड़ी दिक्कत वाली बात आपके लिए, कंटेंट्स बदलना आपको चाहिए। नेक्स्ट है सोशल मीडिया का यूज़ वेबसाइट्स में जरूर करें, फेसबुक ट्विटर यूट्यूब
इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, सबके प्रोफाइल आज बंदा अपनी वेबसाइट में जोड़ता है। आपको एक आदत डालनी चाहिए कि भाई मेरे वेबसाइट में हर फेसबुक, हर सोशल मीडिया के कंटेंट से जुड़े हो प्रॉपरली। ठीक है, इधर थोड़ा सा देखिएगा ये क्यों मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ। देखो सीरियसली अगर आप ले रहे हैं, नहीं तो 5 साल बाद आप जानते हो क्या। ये मैं जोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी चुनौती एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या हो जाती है। तुम्हें जॉब तो मिल गई, अब तुमने जो पहला प्रोजेक्ट बना रखा है उस प्रोजेक्ट के द्वारा लीड जनरेट नहीं हो रहा। तुमने एक वेबसाइट बनाई लेकिन कोई आता तक नहीं है उसके संस्था में जिसकी वेबसाइट बनाई है, तो वही बंदा तुम्हारा नाम गाना चालू कर देगा पूरे मार्केट में। ध्यान रखना इंसान गुडविल का खाता है। तुम लोग को एक चीज बहुत बड़ी बता देगा, गुडविल, आपने तो गुडविल अभी बनाई नहीं। अभी इंसान किसका खाता है, गुडविल का। अमिताभ बच्चन गुडविल का ही खा रहे, गुडविल उन्होंने जो बनाई थी वही आज भी चल रहा होगा। शाहरुख खान का गुडविल चलता है। आपका ध्यान रखना जब गुडविल बनाना है तो आईटी वालों का गुडविल क्या है, उसकी वेबसाइट चले दो। अगर तुम्हारी वेबसाइट ऐसी घटिया बना रहे हो कि लोग पसंद नहीं करते उसको, जिस बंदे के लिए तुमने वेबसाइट बनाया वो बंदा पता चला कि 2 महीने हो गए ग्राहक बेचारे के पास नहीं आ रहा, तो क्या आप वो कंप्लेंट करेंगे आपकी कंपनी में? कंपनी सीधा एचआर से बात करेगी कि अगर इसकी वेबसाइट तो चलते ही नहीं है, ग्राहक कंप्लेंट करके पैसे वापस करो। पर घटिया वेबसाइट बनाता है तो आपका तो एंड हो गया ना कैरियर। नाइन्थ, आपको ध्यान रखना कीवर्ड्स का यूज करना। कीवर्ड्स से यानी मीटा टैग एक आपका होता है जिसमें हम लोग गूगल को क्या करते बुलाते हैं कि गूगल आओ और कीवर्ड को के द्वारा हमारी वेबसाइट को क्या करो, रैंकिंग्स करो। और लास्ट आपका है टाइटल और मीटा टैग में बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। ये मैं हमारे आईटी वाले स्टूडेंट्स जो है उनको मैं क्लास में बताऊंगा, टाइटल और मीटा का बैलेंस जो कर लिया वो सारी वेबसाइट्स पे छा गया। तो इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक हिंट पॉइंट आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। आपकी वेबसाइट अगर मार्केट में लॉन्च होने के बाद फेल हो रही है, इट मीन्स ध्यान रखिएगा आपके आने वाले समय में करियर का नाश होना तय है। और ये मैं बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा कई लोग बोलते हंस हंसते मेरी वेबसाइट से देख भी ग्राहक नहीं आते, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 6 महीने में तुम्हें 3 प्रोजेक्ट्स दिए गए, तीनों प्रोजेक्ट्स में तुमने तुम्हारी डिजाइनिंग के कारण कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया या तुमसे कोडिंग बनने नहीं है, तो आप ध्यान रखना कभी भी किसी कॉर्पोरेट में आप सेटल नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आपके आने वाले 7 पुश्तों को भी पैसा दे सकता है और आपको भी डूबा सकता है। अगर आप समझ गए कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आने वाले 7 पीढ़ियों का पैसा आप एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, और हाँ, ऐसा हुआ कि बहुत कम अमाउंट पर डील हुआ है, हाँ, तो फिर हम पर डिपेंड करता है कितने टू मतलब कितना उसको, हाँ, वो आप पे डिपेंड करेगा कितना, लेकिन उतने में भी जो करके दे रहे हो अच्छे से करके दे। अगर तुमने 5 ऐसे मान लो 10,000 के रुपए में किसी ने वेबसाइट बनवाई, आपने कहा 5 पन्ने देंगे वैसे स्टैटिक वेबसाइट, तो 5 पन्ने लेकिन इतना अच्छा बना के देना कि वो 5 पन्ने और बड़े बड़े ग्राहक लेके आए। हम 10,000 के हिसाब से उसके तो एक नमूना सा बना के दे दिया तो उससे मार्केट में नाम खराब कर दिया आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नाम खराब ना हो मार्केट में। अगर नाम अगर मार्केट में आपने ऐसे डेवलपर खराब कर लिया तो मैं बता दे रहा हूँ कभी सेटल नहीं हो पाओगे, और सेटल नहीं हो पाओगे तो आपको अच्छे से पता कि समाज का दूसरा रूप सबको पता है, सेटलमेंट वाले के कई सम्मान इस दुनिया में, आप सेटल नहीं हो बात खत्म। तो अपना ग्राफ गिरने मत दीजिएगा, एकदम उठने दीजिए और अच्छे से अच्छी चीज़ें बनाते जाओ, ग्राफ गिरे ना। ठीक है, बहुत बढ़िया।